Hey guys, welcome back to my another video. आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक जो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दे सकते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सबको एक बिग थैंक यू इसलिए गाइस कि फाइनली मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट गोल है गाइस 200 सब्सक्राइबर का। अगर आपके दोस्त भी है जो मार्केट का नॉलेज रखते या इंटरेस्टेड है उनको भी बोलिए यार सब्सक्राइब करो, अच्छी अच्छी टिप्स मिलती है। शुरू करने से पहले गाइस और एक और चीज आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा, अब यूं लग रहा है कि नेक्स्ट वीक करेक्शन आ सकता है, उसके भी जो रीजन से हम थोड़ी देर में बता ही देंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की वीडियो। सबसे पहले गाइस हम देखेंगे निफ्टी और निफ्टी में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक का उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमें गाइस मिलेगा 16,000 पे, 15,800 पे, 15,600 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 16,500, 16,600, 16,800। अब सबसे पहले गाइस पार्ट्स देख लेते हैं क्या है मार्केट की, मतलब सॉरी निफ्टी की हालत। तो निफ्टी की हालत तो गाइस सिंपल सी यहाँ से आपको दिख रही होगी कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बना है और डे बाय डे मतलब लास्ट 3-4 सेशन से रोज नए मतलब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है हमारी। और ये जो मोमेंटम भी है अभी के लिए जो बना है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये थोड़ा सा टिकने वाला है। दूसरी चीज हमारी जो मूंग एवरेज है वो काफी टाइम से पॉजिटिव और वो पॉजिटिविटी अभी भी बरकरार है, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, तो ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। RSI गाइस थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज है वहां पे, ये है कि हमारा जो न्यूट्रल है न्यूट्रल वो 50 है और अभी चल रही है 58 और ऊपर जब हमारी 70 के ऊपर चल जाती है तो हो जाती है ओवरबाव, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग आ जाती है सर। तो अभी के लिए 58 तो ऊपर जाने के लिए अभी भी जगह है गाइस, ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ओवरबाव में चला गया तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ सकते हैं। दूसरी चीज़ अब आ जाते हैं गाइस निफ्टी के वीकली चार्ट पे। यहाँ पे वीकली चार्ट अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बियरिश कैंडल बना है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। अब मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वीकली चार्ट के हिसाब से 16,600 के ऊपर। अगर 16,600 के ऊपर दो वीक कॉन्स्टेंट रहा, क्लोजिंग आया 16,600 के ऊपर, तो वहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और फिर 18,000 वापिस। लेकिन ये चार्ट के हिसाब से है और जो होगा वो नहीं होगा वो देखना रहेगा क्या होगा। दूसरी अच्छी बात गाइस सबसे ज़्यादा ये हुई है कि जो हमारी मूविंग एवरेज है काफ़ी वीक से हलचल नहीं दे रही थी और लगातार नेगेटिव है, थोड़ा बहुत पुल ऑफ हुआ है पिछले वीक के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा अप आ गई है, न्यूट्रल भी नहीं हुए लेकिन अप आ गई है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अब नया सेलिंग नहीं आ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज़ गाइस जो RSI है वीकली चार्ट की वो अभी 46 है, न्यूट्रल हमारे 50 है, तो RSI के हिसाब से भी अभी ऊपर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो ये बात हुई हमारी निफ्टी की। अब जैसे मैंने टाइटल में लिखा था कि क्यों करेक्शन आ सकता है, तो वैसे जो मैंने अभी जो बोला कि 16,800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे और दूसरा 500-600 के बीच पूरा रेजिस्टेंस जोन है, ये दो चीज़ों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है। और RSI के जैसे मैंने बोला 58 हो चुकी है, 70 के ऊपर गई तो ओवरबॉट हो जाएगी, ओवरबाइंग हो जाएगा, तो वो भी चीज़ देखने लायक है, इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है कि शायद थोड़ा सा करेक्शन हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज़ छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की और उसमें बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट हमें नेक्स्ट वीक के लिए मिलेगा 34,500, 34,000 और 33,000 पे। रेजिस्टेंस हमें गाइस मिलेगा 36,000, 37,000 और 38,000। अब बात करते हैं गाइस चार्ट की, डेली चार्ट की बात करें बैंक निफ्टी, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो गाइस तो जिस हिसाब से मोमेंटम बना है और जिस हिसाब से जा रहा है लगातार, अगर नेक्स्ट वीक 36,000 क्रॉस हुआ तो समझ लो कि यहाँ से चार्ट सिग्नल दे देगा डबल रैली का, मतलब कि हमारा जो रेड कैंडल है, मतलब रेड लाइन है, ये कैंडल नहीं सॉरी रेड लाइन है, वो ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगी, मतलब वो इंडिकेशन होता है रॉकेट बनने का। का मतलब है कि जो बैंक निफ्टी है वो रॉकेट हो सकती है और वहाँ से एक वन वे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है अपसाइड। तो ये होता है क्रॉस होने का नतीजा, लेकिन होगा कि नहीं वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अभी के लिए जिस हिसाब से नज़दीकी आ रही है
रेड लाइन और ग्रीन लाइन में, उस हिसाब से लग रहा है कि अगर यही मोमेंटम रहा मार्केट में तो हो सकता है। दूसरी चीज, मूविंग एवरेज देखे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अच्छा खासा मूविंग एवरेज चल रहा है ऊपर की ओर, तो ये अच्छी बात है। RSI की बात करें तो यही दिक्कत देने वाली है, क्योंकि न्यूट्रल जो हमारी होती है 50, उसके हिसाब से अभी चल रही है 62 और ओवरबॉट में चली जाती है 70 पे। अगर 70 क्रॉस की कर गई तो समझ लो कि गए वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ सकता है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी जगह है ऊपर जाने के लिए, तो एटलीस्ट लग रहा है 36,000 आ सकता है नेक्स्ट। अब बात करते हैं गाइस हमारे वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट के हिसाब से गाइस फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बड़ा सा कैंडल और वीकली चार्ट इंडिकेट कर रहा है, अगर नेक्स्ट वीक मतलब एटलीस्ट 2 वीक 35,470 मतलब समझ लो 35,500 के ऊपर 2 वीक क्लोजिंग आया तो पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वापिस बुलिश मोमेंटम में शुरू हो जाएगा, लेकिन 35,500 के ऊपर 2 वीक क्लोज आना चाहिए। मूविंग एवरेज की बात करें गाइस तो जैसे निफ्टी में बोला वीकली चार्ट का, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी सेम है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की ओर बना है, और अगर यही हाल रहा कुछ आने वाले हफ्तों में तो यहाँ से वापस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वीकली चार्ट में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं गाइस RSI की, वीकली चार्ट की। RSI चल रही है 49, न्यूट्रल 50 है तो उसके करीब ही चल रही है, तो ऊपर जाने के लिए काफी ज्यादा जगह है। तो फाइनली गाइस अब आते हैं हमारे स्टॉक्स पे। सबसे पहला जो स्टॉक मैंने लिया है वो है LT लार्सन एंड टर्बो। लेने की वजह, तो गाइस लेने की वजह सिंपल सी यही है कि जो 1660 के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं आ रहा था और एक रेसिस्टेंस बन रहा था, वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर ब्रेक हुआ है। और दूसरी चीज कि जो यहाँ पे स्टॉक का रेड और ग्रीन लाइन है हमारी जो, वो क्रॉस ओवर करने की जा रही है, तो अगर ये नेक्स्ट वीक मतलब कि मंडे को ही अगर पॉजिटिव रहा मोमेंटम और 1670 के ऊपर ही क्लोजिंग आया मंडे को भी LT में, तो समझ लेना गाइस यहाँ से होगा रॉकेट, और रॉकेट कब तक होगा वो तो आने वाला वीक ही बताएगा, लेकिन इसकी जानकारी अभी आपको मैं बताऊंगा जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। दूसरा स्टॉक गाइस जो मैंने लिया है वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड गाइस लेने की वजह सिंपल सी ये है कि 215 के ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रहा था, जो फाइनली आ गया है और कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग हो सकती है, तो इसकी भी जो सारी डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगी। अब आ जाएगा इस एक और नए स्टॉक पे जो है NTPC। NTPC गाइस लेने की वजह जैसे दूसरे स्टॉक्स में भी वैसे इसमें भी सेम है, 142 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था, उसको पार करके 143 के ऊपर क्लोजिंग दिया है जो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है और मुझे लग रहा है यहाँ से एक और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है 150 के आसपास। इसकी भी जो सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। अब एक और गाइस बोनस स्टॉक, बोनस स्टॉक हमारा आज का ये है वो है नौकरी इन्फो एज। क्यों है? सिंपल सी बात है कि यहाँ चार्ट ने ब्रेकआउट होने का सिग्नल दिया है कि यहाँ से अब रॉकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है नौकरी के, लेकिन मैं कहूंगा जो लोग सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो 4,000 के ऊपर क्लोजिंग है तो ही बाय करिएगा, और टारगेट और वो सब आपको अभी स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, और जो रिस्की ट्रेडर है वो आपको जहाँ ठीक लगे वहां पे बाय कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैप्पी अर्निंग।